subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सबके सामने 24 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले हमने 23 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, तो इस महीने में टोटल 24 क्लास आपकी आज हो जाएगी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि पर डे का करंट अफेयर्स एक कॉपी में आप नोट करते हुए चलिए, भले ही उसके ट्रेडिशनल पक्षों को नाम नोट करिए लेकिन करंट के जो मैटर हैं उनको जरूर नोट करते हुए चलिए। तो आइए सीधे चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे और देखते हैं आज करंट अफेयर्स की पहली महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स में पहली महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो सिंगापुर चर्चा में है। तो फ्रेंड्स सिंगापुर क्यों चर्चा में है, इसलिए है कि वहाँ की हॉकर संस्कृति जो है, सिंगापुर की हॉकर संस्कृति जो है उसको सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो सिंगापुर की हॉकर की जो संस्कृति है उसको सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसको शामिल किया गया है, तो उसका नाम होगा की हॉकर संस्कृति। और अगर ये पूछे कि की हॉकर संस्कृति कहाँ की है, तो फ्रेंड्स की हॉकर संस्कृति आपकी सिंगापुर की है। अब आइए देखते हैं सिंगापुर के ट्रेडिशनल पक्षों के बारे में। अगर हम सिंगापुर के ट्रेडिशनल पक्षों को देखते हैं तो हम पाते हैं सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है। क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। इसके अलावा वर्तमान में सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो हलीमा याकूब हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। कौन है? हलीमा याकूब। इसके अलावा APEC का मुख्यालय, अगर आपसे पूछे कि APEC का मुख्यालय अर्थात एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय आपका सिंगापुर में है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि की हॉकर संस्कृति कहाँ की है जो करंट की दृष्टि से चर्चा में है, तो की हॉकर संस्कृति आपकी है सिंगापुर की। इसके अलावा की हॉकर संस्कृति को ही अभी सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। फिर अगर आपसे पूछता है कि सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। इसके अलावा APEC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स APEC का मुख्यालय आपका सिंगापुर में है। कहाँ पे है APEC का मुख्यालय? सिंगापुर में है। APEC का मतलब होता है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु क्यों चर्चा में है? वहाँ की राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया है। तो तमिलनाडु की राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 रुपये से बढ़ा के अब 37,000 रुपये करने का फैसला किया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कभी कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपकी कहाँ पर की जा रही है? तमिलनाडु में की जा रही है। इसके अलावा मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर किसका कब्जा है, तो तमिलनाडु मछली के उत्पादन में भी शीर्ष स्थान पे है। और RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में भी शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तमिलनाडु। तो बाजार कर्ज लेने में RBI की रिपोर्ट के मुताबिक पहले स्थान पे तमिलनाडु है, मछली उत्पादन में शीर्ष पे है तमिलनाडु, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही तमिलनाडु में। और बात करें करंट की, तो हम ये पाते हैं कि तमिलनाडु की राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने का फैसला किया है। आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स में तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, रतन टाटा जी चर्चा में है, इनको इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एसोचम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसको नवाजा गया है, तो रतन टाटा को नवाजा गया। एसोचम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया रतन टाटा को, और उस अवार्ड को नाम दिया गया इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। तो अगर आपसे पूछे कि इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया रतन टाटा को। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स की चौथी महत्वपूर्ण टॉपिक, चौथी महत्वपूर्ण घटना क्या हुई है। तो चौथी महत्वपूर्ण घटना हुई है गुरुग्राम में। गुरुग्राम आप सबको पता है कहाँ है, हरियाणा में।
तो हरियाणा में है गुरुग्राम। तो भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? गुरुग्राम में। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा गुरुग्राम में। तो भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है आपके गुरुग्राम में। अगर बात करें गुरुग्राम के अन्य पक्षों पर, तो हम पाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गुरुग्राम में स्थित है वो है आईएसए का मुख्यालय। आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। पीसीए 2019 का ये क्वेश्चन है कि आईएसए का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। आईएसए का मुख्यालय आपका गुरुग्राम में स्थित है। और भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में ही किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स की अगली महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो है गुजरात। तो गुजरात क्यों चर्चा में है? गुजरात इसलिए चर्चा में है कि वहां की राज्य सरकार ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है, सेम इसी तर्ज पे आपकी इससे पहले दिल्ली की तर्ज पे शुरू किया गया। दिल्ली में आपकी मोहल्ला क्लिनिक चल रही है अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा, और सेम उसी तरीके का इनिशिएटिव किया गया है गुजरात के द्वारा, जिसने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। ये दीनदयाल क्लिनिक कहाँ बनेगा? ऐसे शहर जहाँ की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर बनेगा आपका दीनदयाल क्लिनिक। तो गुजरात ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। दीनदयाल क्लिनिक बनेगा कहाँ? तो दीनदयाल क्लिनिक ऐसे जगहों पे बनाया जाएगा, ऐसे शहर जहाँ की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा गुजरात के अगर हम अन्य पक्षों की बात करते हैं गुजरात में, तो हम क्या क्या पाते हैं? गुजरात के अन्य पक्षों की बात करें तो किसान सर्वोदय योजना कहाँ पर चलाई जा रही है? गुजरात में। अगर आपसे कभी पूछे कि किसान सर्वोदय योजना कहाँ चलाई जा रही है, तो किसान सर्वोदय योजना आपकी गुजरात में चलाई जा रही है। अगर हम बात करें गुजरात की राजधानी की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो गुजरात अहमदाबाद में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आपके गुजरात में है। इसके अलावा किसान सर्वोदय योजना कहाँ चलाई जा रही है? तो किसान सर्वोदय योजना आपकी चलाई जा रही है गुजरात में। इसके अलावा सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में पहला स्थान किसका है? सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन मतलब कि छत पे सोलर लगाने के मामले में पहले स्थान पे कौन है? गुजरात है। तो कभी आपसे अगर पूछे कि सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में पहला स्थान किसका है, तो सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में पहला स्थान गुजरात का है। इसके अलावा गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान आपका शुरू किया गया है गुजरात में। कैलाश सत्यार्थी अगला टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, छठवें नंबर की आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कैलाश सत्यार्थी जी चर्चा में है। कैलाश सत्यार्थी जी क्यों चर्चा में है? तो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किन्होंने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी ने। इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। किसके लिए? शांति नोबेल पुरस्कार के लिए। तो इनको शांति नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। किसको? कैलाश सत्यार्थी को, जो कि भारतीय हैं। इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट एंड समाधान। तो अगर आपसे पूछे कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को लिखा कैलाश सत्यार्थी ने, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में ये 6 टॉपिक पढ़े। आइए 2 मिनट रिविजन करते हैं। पहला टॉपिक हमने सिंगापुर की हाकर संस्कृति के बारे में पढ़ा, जिसको सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। दूसरा टॉपिक आज का हमने तमिलनाडु के बारे में पढ़ा कि वहां की राज्य सरकार ने ईसाइयों के दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने का फैसला किया है। फिर तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा रतन टाटा के बारे में, उनको एंटरप्राइजर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया, एसोचम एंटरप्राइजर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया रतन टाटा को। एसोसम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर हमने अगला टॉपिक पढ़ा, गुरुग्राम से संबंधित है, कि भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में स्थित है। और गुरुग्राम में ही आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी स्थित है। ये पढ़ा। फिर पढ़ा गुजरात के बारे में, जहां दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला टॉपिक हमने पढ़ा कैलाश सत्यार्थी के बारे में, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक इन्होंने लिखा, जो कि नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार के विजेता है। तो ये रहे 6 टॉपिक। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 4 अन्य करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं।
आज करंट अफेयर्स में हमने 6 टॉपिक पढ़ लिया है, बाकी के जो बचे हुए 4 और महत्वपूर्ण टॉपिक है आइए उस पर भी अपनी नजर डालते हैं और देखते हैं सातवें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, सातवें महत्वपूर्ण टॉपिक नरेंद्र मोदी जी चर्चा में, जो कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का इन्होंने उद्घाटन किया। अगर आपसे पूछे कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किसने किया है, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कब तक चलेगा ये? तो 22 से 25 दिसंबर तक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चलेगा। कब से कब तक? 22 से 25 दिसंबर तक। इसका उद्घाटन या आयोजन कब से किया जा रहा है? आयोजन तो 2015 से इसका आयोजन शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन 2015 से शुरू हुआ है और 2020 के इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन अभी हाल ही में 22 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह कब से कब तक चलेगा? तो 22 से 25 दिसंबर तक यह चलेगा। इस बार का इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत एंड विश्व कल्याण के लिए विज्ञान। तो आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान इस बार की थीम है। तो करंट की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किया। यह साइंस फेस्टिवल 22 से 25 दिसंबर तक चलेगा। 2015 से इसका आयोजन होना शुरू हुआ था। इस बार का थीम है आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स की आठवीं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो आठवीं महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया, किस लिए? तो फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया है। तो बरसात अभियान किसने शुरू किया? बरसात अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के ट्रेडिशनल पक्षों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप सबको पता होगा लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा सीटों की अगर संख्या पूछे तो 31। ओके फ्रेंड्स, और विधानसभा सीटों की संख्या पूछे तो 403 और प्लस 1। तो इतनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद की पूछे तो 100। ओके फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश के ट्रेडिशनल पक्षों को हमने देखा कि लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है 80, विधानसभा सीटों की भी संख्या सबसे ज्यादा है 403 प्लस 1, राज्यसभा सीटें सबसे ज्यादा 31 हैं यूपी में। इसके अलावा 100 विधान परिषद की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही ट्रेडिशनल पक्ष। और देखते हैं बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ चलाई जा रही है? यूपी में। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ चलाई जा रही है? यूपी में। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप कहाँ चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का नवा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, नवी महत्वपूर्ण टॉपिक है 22 दिसंबर अभी बीता है परसों, और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया गया है। तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स की अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी हाल ही में कल तेंदुआ रिपोर्ट 2018 जारी हुआ है, जिसको जारी किया है पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। तो फ्रेंड्स, तेंदुआ रिपोर्ट 2018 जारी हुआ, 2018 में इसकी जनगणना हुई थी तेंदुआ की। और पहली बार अगर पूछे कि तेंदुआ की जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो पहली बार इसकी जनगणना सॉरी तेंदुआ की गणना पहली बार हुई थी 2014 में। तो तेंदुआ रिपोर्ट पहली बार आई थी 2014 में, और अभी कल तेंदुआ की नई रिपोर्ट आई 2018 वाली, जिसको जारी किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने। तो 2014 के मुकाबले तेंदुआ की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 60%। चूंकि अब की बार पीसीएस में पूछ लिया था बाघ रिपोर्ट के बारे में, तो सिर्फ बाघ रिपोर्ट ना जानिए, उसके अंदर की चीजें भी जानना आवश्यक है, क्योंकि सवाल वहां से ही बनते हैं। तो फ्रेंड, 2014 के मुकाबले संख्या में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो तेंदुआ की संख्या में 2014 से 2018 के बीच में 60% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में कुल तेंदुआ की संख्या है 12,852। कुल संख्या इस समय कितनी है? 12,852। 2014 में जब ये रिपोर्ट आई थी तब संख्या थी 7,910, और तब से अब के मुकाबले 60% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें राज्यों के बारे में, तो सबसे ज्यादा
तेंदुआ जो पाए गए हैं वो एमपी में, मध्य प्रदेश में 3421 तेंदुआ पाए गए हैं। दूसरे स्थान पे आपके कर्नाटका है जहाँ पे 1783 तेंदुआ पाए गए हैं, और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र जहाँ पे 1690 तेंदुआ पाए गए हैं। तो एमपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ ऐसे तीन राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3421 तेंदुआ पाए गए हैं, कर्नाटका में 1783 तेंदुआ पाए गए हैं, और महाराष्ट्र में 1690 पाए गए। तो तेंदुआ रिपोर्ट जो जारी हुई है 2018 की बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने कहा प्रकाश जावड़ेकर ने इसको जारी किया है। 2014 के मुकाबले 2018 वाली जो रिपोर्ट आई है उसमें तेंदुआ की संख्या में 60% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। वर्तमान में इसकी संख्या हो गई 12852, लेकिन 2014 में जब पहली रिपोर्ट इसकी आई थी, अगर पूछे पहली रिपोर्ट कब आई थी तेंदुआ के बारे में, 2014 में आई थी, और उस समय इसकी संख्या थी 7910। अगर राज्यों की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है 3421, दूसरे स्थान पर कर्नाटका 1783, और चौथे तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 1690। तो ये आज के करंट अफेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था तेंदुआ रिपोर्ट, जिसको हमने आखिर में पढ़ा है डिटेल में। तो आज के करंट अफेयर्स की टॉप 10 टॉपिक कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे 25 दिसंबर करंट अफेयर्स लेके। और बाकी जो UPSI के लिए स्पेशल पॉलिटी चल रही है, पूरा का पूरा पॉलिटी आपको पढ़ाया जा रही है, मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, तो उसका 5वां लेक्चर आज शाम को आपको मिल जाएगा। और अप टू 1 बीच में कभी हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए ना पड़े, नहीं तो आपको डेली लेक्चर शाम को 6 बजे पर डे संडे को छोड़ के, बाकी सारे दिन आपकी पॉलिटी की क्लास शाम को 6 बजे चलेगी, संडे को छोड़ के बाकी हर दिन आपको करंट अफेयर मिलेगा सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे दोनों टाइम आपको आना है, आधे आधे घंटे की आपकी क्लास रहेगी। सुबह 8 बजे से आपकी क्लास होगी पर डे का करंट अफेयर टॉप 10 टॉपिक, जिसमें हम ट्रेडिशनल भी पढ़ाएंगे। शाम को आपकी 6 बजे क्लास होगी पॉलिटी की, जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल पॉलिटी आपको पढ़ाई जा रही है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लर्नर्स अड्डा चैनल। धन्यवाद।